मुस्तफिजुर रहमान के कमाल और रचिंद्र रविंद्रा के धमाल से जीता चेन्नई सुपर किंग। रचिंद्र रविंद्रा ने मात्र 15 गेंदों पर 37 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसके दम पर चेन्नई सुपर किंग 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शानदार शुरुआत रही। ऋतुराज गायकवाड़ ने और रचिंद्र रविंद्रा ने मिलकर तेज शुरुआत दिलाई। रविंद्रा ने 37 रनों की तूफानी पारी खेली, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। हालांकि रहाणे ने भी तेज रन बनाए, रहाणे के बल्ले से 19 गेंदों पर 27 रन निकले, वहीं डर्ली मिचेल ने 18 गेंदों पर 22 रन बनाए। आखिर में रहा सहा काम शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने पूरा कर दिया, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। दुबे ने जहां 34 रन बनाए तो वहीं रविंद्रा ने 17 गेंदों पर 25 रनों की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग के अंक तालिका में अब 2 अंक हो चुके हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जिन्होंने 20 ओवर में 173 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। आरसीबी को शानदार शुरुआत मिली, फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की। डुप्लेसिस ने जहां 23 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेली, विराट कोहली ने 20 गेंदों पर 21 रन बनाए। फिर लगातार विकेट गिरते रहे और आखिर में अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी का स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर बना दिया, 173 रन बनाने में कामयाब रहे। अनुज रावत के बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिली, जिन्होंने 25 गेंदों पर 48 रन बनाए, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने भी 26 गेंदों पर 38 रनों की अच्छी पारी खेली। हालांकि एक समय पर लग रहा था कि आरसीबी का स्कोर 150 भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में 60 रन बनाकर इस स्कोर को पहुंचाया है। वहीं चेन्नई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए 4 ओवर में 29 रन देकर। वहीं दीपक चहर के हाथों एक सफलता हासिल हुई।